FM live update. 91.9 Friends FM, मेरा नाम है अनिमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर हितेश भारद्वाज के साथ। जी हाँ, इनको हम मेन लीड में देख रहे हैं इस वक्त अगर तुम साथ हो में। वेल हमारे साथ वे हैं, उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें होगी। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 Friends FM कोलकाता में। थैंक यू सो मच अनिमेश एंड थैंक यू सो मच 91.9 FM मुझे कोलकाता से मिलवाने के लिए एंड थैंक यू सो मच हेलो कोलकाता। क्या बात है, कुछ कहना चाहेंगे? फेस्टिव मूड में अभी भी हम सब हैं, दुर्गा पूजा खत्म हुई है, नवरात्रि खत्म हुई है, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से? सबसे पहले तो मैं सबको विश करना चाहूंगा हैप्पी दशहरा, हैप्पी रामनवमी और पूरे ये जो नवरात्रे गए हैं आप सबके लिए बहुत अच्छे हों। और मैं अभी तक कोलकाता नहीं आया हूँ और मेरा बहुत मन है कि मैं अपने ये जो 9 days हैं वो कोलकाता में आके स्पेंड करूं। नेक्स्ट ईयर होपफुली अगर कोलकाता मुझे बुलाएगा तो मैं पक्का आप लोगों के साथ आगे स्पेंड करूंगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप कोलकाता शहर में आए। वैसे सिटी ऑफ जॉय के बारे में आपने सुना है, क्या क्या चीजें हैं जो आप देखना चाहोगे यहाँ आकर या खाना चाहोगे? खाना भी काफी फेमस है यहाँ का। मिष्टी दही मिष्टी दही मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। यहाँ का मुझे एक मिठाई है, शायद मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे कुछ ऑप्शन देंगे तो शायद मैं बता पाऊँ। संदेश मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने साइड पर ही दिल्ली में या बॉम्बे में खाया है, जो भी वो ठीक था, पर कोलकाता की मिठाई तो कोलकाता वाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की। वैसे हितेश, हमने आपको हर तरह के रोल करते हुए देखे हैं, चैलेंजिंग रोल करते हुए देखे हैं, अगर तुम साथ हो की बातें करें, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? अगर तुम साथ हो बहुत ही डिफरेंट है हितेश के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि अभी तक हमने टीवी का एक अलग ही सिनेरियो देखा है। टीवी में बहुत सारे शोज हमने देखे हैं बट अगर तुम साथ हो ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा शूट हमने दिल्ली में किया है 8 months और इसके सॉन्ग्स हैं अपने, मतलब हमने कोई भी फिल्मी गाना नहीं लिया है अगर तुम साथ हो में। इसकी पूरी एल्बम है जो बहुत जल्द आपको जी म्यूजिक के लेवल के साथ सुनाई देगी मार्केट में। अभी भी है, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे अगर तुम साथ हो के। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है और मुझे इस शो में काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे एक्टर्स थे। तो मैं यही कहूंगा कि एज एन एक्टर मुझे बहुत एक नया रूप मिला है, बहुत पॉलिश हुआ हूं मैं एज एन एक्टर इस शो के जरिए, और जब ऑडियंस देखेगी एक्सेप्ट करेगी तो उनको भी बहुत मजा आएगा रियलिज्म देखने में। क्या बात है हितेश, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है अगर हम एक्टिंग की बातें करें, इस सफर में कितना सफर करना पड़ा हितेश को? हर सफर में बहुत सारे सफर हैं, मैं लिखता भी हूँ और पोइम्स लिखता हूँ, तो मैं एक अपनी 4 लाइनों के जरिए मैं जरूर ये बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आपकी इजाजत हो। बिल्कुल तो बिल्कुल, कर बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। राहे जिंदगी अगर आसान होती तो क्या मजा था, राहे जिंदगी अगर आसान होती तो क्या मजा था, जुनू में जीने का मेरा शौक अधूरा रह जाता, मैं भर गया खुद को दाव के लगा के आगे, क्या पता मेरा हाथ पकड़ खुदा साथ चल रहा था। क्या बात है सर, मोबाइल के एकदम नीचे वाले कोने को पकड़ के मैं हाथ जोड़ ले रहा, आपके पैर को मैंने छोड़ दिया दिल खुश कर दिया आपने। क्या बात है मुझे अपने पुराने दिन भी याद आ गए, क्योंकि मैं आरजे ही था तो मुझे जब मैं ऐसे बात क्या करता था रेडियो पे, तो मुझे अपने आज पुराने दिन भी रिकॉल हो रहे हैं। जी बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके और कोलकाता से बात करके। क्या बात है, ये बात मुझे नहीं पता थी आप आरजे थे, अभी भी आप आरजे हो, क्योंकि आरजे वाला कीड़ा जिसे काट लेता है वो कभी कभी उस बीमारी से निकल नहीं सकता है। हो जाए 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे आरजे हितेश के साथ, हो जाए 2 लाइन, हो जाए, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से रेडियो जॉकी की स्टाइल में? 91.9 FM सुन रहे हैं आप और मैं हितेश आपके साथ हूँ। देखो भैया, बहुत सारा टाइम निकल गया है, अभी आपको देखना है अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो अगर आप देखेंगे तभी मजा आएगा, क्योंकि अगर आप साथ में हैं तो जिंदगी भी बढ़िया है और शो भी बढ़िया है। तो देखते रहिए अगर तुम साथ हो जिंदगी पर 7 बजे सोमवार से शनिवार। क्या बात है हितेश भाई, मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो प्लान क्या कर रखा है मुझे, मतलब नौकरी से निकाल के रहोगे आप? यार आप तो टू गुड हो, आपसे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बट हाँ ये है कि मैं जरूर एक दिन आके बरखुरदार कोलकाता में आपकी कुर्सी पे बैठ के आपके माइक पर बैठ के कुछ जरूर बोलूंगा। बिल्कुल हितेश, हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप कोलकाता शहर में आए, मैं आपको स्टूडियो में बुलाऊंगा, स्टूडियो में बैठ के ढेर सारी और भी हम बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह आप चैलेंजिंग रोल्स करते रहे। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिमेश, थैंक यू सो मच कोलकाता। वेल ये थे हमारे साथ नन अदर देन एक्टर राइटर आरजे हितेश भारद्वाज, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। सुनते रहो, साथ रहो।